with my letter carrier. चार लड़के और तीन लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अलग अलग सेंटर्स से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये लोग कुछ तो लोग किसी अन्य के स्थान पर एग्ज़ाम दे रहे थे और कुछ खुद ही एग्ज़ाम दे रहे थे। जो प्रतिबंधित इंस्ट्रूमेंट से स्पाई माइक जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करके लोग एग्जामिनेशंस वहाँ पर दे रहे थे। पुलिस ने जो संबंधित जो सेंटर के लोग हैं उनको बताकर इन लोगों को गिरफ्तार कराया है, और प्लस जो स्पाई माइक प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है कुछ स्पाई माइक्स के साथ। कुछ पैसा भी पुलिस ने बरामद किया है, रफली 60,000 के करीबन। और एक अन्य व्यक्ति जो जिसके बारे में पुलिस को सूचना मिली है, जो दिल्ली में बैठता है, जो इस तरह की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था, पुलिस की टीम का भी वी आर ऑन सर्च ऑफ। इलाहाबाद में भी कोई ऐसा है जिसकी दिल्ली से जिसे लाइन अप रहते थे जिनको प्रोवाइड करवा देते? उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, जो सेंटर में लड़के बैठते थे ये अपने कान में स्पाई माइक लगा लेते थे और दिल्ली से किसी तरीके से पेपर वो लोग फ़ोटो खींच के या किसी अन्य माध्यम से अपने पास तत्काल पहुँचाते थे। वहाँ पर बैठे होते हैं और वो लोग सॉल्व करके सूचना को जो अलग अलग सेंटर से वहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको भेजते हैं तत्काल। तो ये एक नई मॉडल ऑफ ऑपरेटिव है जिसके तहत ये लोग काम करते हैं। पुलिस ने इसको इस गैंग को भी पुलिस ने क्रैक किया है। महिलाओं का क्या रोल है? देखिए महिलाएं, कुछ महिलाएं तो स्वयं ही एग्जामिनेशन दे रही थी, शिक्षा मित्र को भी पुलिस ने पकड़ा है, तो कुछ महिलाएं तो स्वयं ही एग्जाम दे रही थी और कुछ किसी दूसरे के स्थान पर एग्जाम दे रही थी। ठीक।